बढ़ते आगे भोपाल से ही एक और बड़ी खबर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। रायपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। राजनांदगांव में किसान सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। राजनांदगांव में जनसभा को मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से संबोधित किया जाएगा। इसके अलावा दुर्ग में यादव समाज के सम्मेलन में वो शामिल होंगे। सीएम इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्य तीन अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। रायपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय यानी कि एकात्म परिसर में मुख्यमंत्री लोकसभा की जो कोर कमेटी की बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ने वाली और क्या आगामी कार्ययोजना है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा राजनांदगांव में एक कृषक सम्मेलन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे और यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और सबसे आखिरी कार्यक्रम दुर्ग में है जो यादव समाज का सम्मेलन है, इस यादव समाज के सम्मेलन में मुख्यमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद करीब शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अलग अलग राज्यों में चुनावी रणनीति तैयार करने के साथ साथ ही जो यादव वोट बैंक हैं उनको साधने के लिए भेज रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री के दौरे का असर लोकसभा चुनावों में कितना पड़ता है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी इसके साथ साथ ही जो अन्य राज्यों में दौरे हुए हैं, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, इसको लेकर क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव जो सीट है वो इस वक्त हॉट सीट बन गई है, क्योंकि वहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और कल भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी कर सीधा निशाना साधा गया था भूपेश बघेल पर, और आज भी राजनांदगांव ही जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस की तरफ से कैसे काउंटर किया जाएगा बीजेपी की इस रणनीति को।